सभी भाइयों बहनों को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हम क्वेश्चन आंसर का सेशन नंबर 3। जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो चलो गाइज ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज आज हमने लिया है जो फर्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में बताते हैं। ये भाई MD अल्ताफ पूछ रहे हैं कि माल्टा के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई करा सकता है क्या वेटर में? तो भाई अगर आप माल्टा के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप ऑनलाइन ट्राई करो। अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो वो बाय एजेंसी ही करेगा, अदरवाइज कंपनी वाले आपके बिना अप्लाई किए नहीं आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अपना CV कवर लेटर बना करके उनको सेंड करो, तो मे बी आपको कोई रिस्पॉन्स मिल जाए। तो जो सेकेंड कमेंट आया है उसको किया है प्रवीण देवी, प्लीज़ लोगों को गुमराह मत कीजिए, हम ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं। माल्टा के लिए 3 महीने पहले फाइल लगाई थी एजेंसी के थ्रू, बट अभी तक बायोमेट्रिक की कोई डेट नहीं मिली। तो भाई आप लग रहा है कि भड़के हुए इंसान हो, ठीक है? पहली बात तो आप प्रवीण देवी जो भी हो ये फेक आपकी आईडी है, और अगर आपने 3 महीने पहले अप्लाई किया था और आपको बायोमेट्रिक की डेट नहीं मिल रही है, तो मतलब बायोमेट्रिक की डेट आपको इंडिया में नहीं मिल रही, पाकिस्तान में नहीं मिल रही, कहाँ नहीं मिल रही है ये आप थोड़ा बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि अगर कोई डेट अवेलेबल होती तो मैं आपको बता देता कोई सॉल्यूशन की कितने दिन में डेट जो है वो मिल रही है। बाकी अब आप बायोमेट्रिक देने जा रहे हो तो इट मीन्स आपका अप्रूवल लेटर ऑलरेडी आ चुका है, वो भी 3 महीने के अंदर। तो यार आप तो खुश नसीब हो जिसको 3 महीने के अंदर आ गया है। काफ़ी भाई ऐसे हैं जिनको 4-4 महीने, 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं, उनका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर नहीं आया है और थर्ड पार्टी में ही चला है अभी तक प्रोसेस उनका। तो भाई आप अपनी बायोमेट्रिक की डेट ले करके आप अप्लाई करो अपना वीज़ा, ठीक है? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तो नेक्स्ट कमेंट किया ये भी किसी भड़के हुए इंसान ने ही जो एक कमेंट किया है, राम शिकर है ये। सब यूट्यूबर पैसे के लिए बोल रहे हैं, सबको अपने काम से मतलब है, सो माल्टा आने की जगह है कोई और कंट्री चूज़ करो अच्छा रहेगा। तो भाई ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो बोलते हैं वो सब गलत बोलते हैं, कोई भी यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ नहीं देता है, तो इस भाई का ये कहना है। और हम लोग माल्टा में मतलब आप माल्टा में आने की कोई वो नहीं है जगह, ये कंट्री कोई और कंट्री आप लोग चूज़ करो। तो इसका ये सेकंड कमेंट भी है, ये एक और इसने कमेंट किया है जो सब सी बना रहे हैं, कोई जॉब नहीं है माल्टा में, और अगर कोई जॉब मिल भी जाती है तो सैलरी कम मिलती है, माल्टा के हालात बहुत ख़राब हैं। तो भाई ये बोल रहा है कि सैलरी बहुत कम मिलती है अगर किसी को जॉब मिलती है तो, और माल्टा के जो हालात है वो बहुत ख़राब है, इनका ये मानना है। तो भाई ये शायद आपकी सोच है, ठीक है? अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आप अनएजुकेटेड हो, तो आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पे कोई जॉब ना हो, ठीक है? और आपके लिए कोई सैलरी नहीं दे रहा हो। जब आप कहीं से भी अप्लाई करते हो, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 700-800 यूरो का ही लगा करके देते हैं। वहाँ पर ये लोग ज़्यादा सैलरी मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स है उन लोगों को जो टैक्स है वो पे करना पड़ता है खुद की पॉकेट से, तो इतना ज़्यादा टैक्स उनको पे करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जितना कम सैलरी है उतना शो करें डॉक्यूमेंट्स में, और डायरेक्टली जो सैलरी है वो उनको अलग दें। और होता भी यही है, यहाँ पर जो सैलरी पे करते हैं वो डिफरेंट सैलरी पे करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी है वो डिफरेंट होती है। तो भाई ये आप अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है? क्योंकि अभी आप अपनी कंट्री में ही बैठे हो तो इसलिए आपको बातें बनानी वहाँ से आ रही है, बट यहाँ पे बिल्कुल अलग सिस्टम है। यहाँ पे जो अनपढ़ लोग भी है वो भी महीने का 1500 यूरो, 2000 यूरो बना रहे हैं, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेरे साथ काम भी करते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि सब यूट्यूबर्स है जो वो
बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं भी हो सकता है कि आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया हो, आपसे पैसे वगैरह लूटे हो सकता है, तो वो आपके केस में ऐसा हो गया हो। बट आप किसी भी मतलब सबको आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते किसी एक के कारण। तो जो नेक्स्ट कमेंट है उसको देखते हैं। ये अवधेश कुमार, माल्टा में कोई वैकेंसी है तो हमें भी बोला भाई। भाई अगर कोई वैकेंसी आती है तो हम किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि जो वैकेंसीज़ है वो आपको खुद देखनी पड़ती है ऑनलाइन। बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, वो आप खुद चेक करें माल्टा की वेबसाइट पे, बहुत सारी जो साइट्स है जॉब्स की, तो आप उन पे चेक करें जा कर के। माल्टा पोस्ट है, जॉब प्लस है, जो ये दो वेबसाइट है माल्टा की, बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप इन पर चेक करें, अपना सीवी कवर लेटर उनको सेंड करें, तो आपको जॉब मिल जाएगी वहाँ पर। तो जो नेक्स्ट कमेंट किया है, माल्टा में क्या पोजीशन चल रही है सर? तो आप किस चीज़ में पोजीशन पूछ रहे हो, ये थोड़ा मेरे को कमेंट आपका समझ नहीं आया है। भाई कमेंट पूरा पूछा करो, अच्छे से पूछा करो, जो भी आप कमेंट करके पूछते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्या, गुरजोत सिंह सर, मैं अपना सीवी कवर लेटर सेंड करूं? तो भाई आप सीवी कवर लेटर अपना किस लिए सेंड कर रहे हो, वो आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि आप सीवी कवर लेटर किस लिए सेंड करना है आपने। सीवी कवर लेटर अगर आप चेक करवाना चाहते हो तो आप सेंड कर सकते हो मेरे को। अगर आप बोल रहे हो कि मैं जॉब के लिए अगर आपको हेल्प करूँ, तो भाई उस चीज़ में मैं डील नहीं करता कि मैं किसी को जॉब लगवाऊँ, ठीक है। बाकी अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, बहुत सारी साइट्स हैं। तो नेक्स्ट कमेंट जो है, ये भाई पूछ रहे हैं ऑफिस बताओ माल्टा के लिए, ऑफिस बताओ माल्टा के लिए प्लीज़। तो भाई माल्टा के लिए मैं कौन सा आपको ऑफिस बताऊं, मेरे को आपको आपकी जो बात है वो समझ नहीं आई। आप किसी एजेंसी के बारे में पूछ रहे हो या फिर मेरा ऑफिस पूछ रहे हो, तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई थोड़ी सी। और मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं जस्ट आपकी हेल्प के लिए जो मेरे साथ होता है हैपनिंग उसके रिगार्डिंग जो है वो वीडियो बनाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साकिर मलिक पूछ रहे हैं हमें तो बताओ भाई, भाई आपको क्या बताएं, माल्टा आने का प्रोसेस बताएं आपको या फिर कुछ और आपने जानना है? तो आप पूरा जो कमेंट है, जो आपका क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप पूरा लिखा करें ताकि मेरे को भी समझ आए और मैं आगे भी आपको उसका आंसर अच्छे से दे सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वायरल पटेल, माई सिंगल परमिट एप्लीकेशन स्टेटस शोज प्रोसेसिंग बाई थर्ड पार्टीज फ्रॉम लास्ट 211 डेज, व्हाट शुड आई डू, वेट फॉर माई प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर और विड्रॉ माई एप्लीकेशन? तो भाई आपका जो थर्ड पार्टी दिखा रहा है वहाँ पे ऑनलाइन में 211 डेज आपको हो गया वीज़ा अप्लाई किए हुए माल्टा का, तो आप पूछ रहे हैं कि आपको विड्रॉ करना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल भाई, क्योंकि आपको 211 डेज हो चुके हैं, 6 महीने समथिंग आपको हो गया, ऊपर हो गया 6 महीने से, तो बिल्कुल भाई आप अपना जो एप्लीकेशन है वो आप विड्रॉ करो और उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर को बोलो कि आपका जो दोबारा एप्लीकेशन करें ताकि आपको जल्दी उसमें रिस्पांस मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये जीत पूछ रहे हैं अप्रूवल लेटर डिले हो रहा है 120 डे नाउ ग्रीन सुपरमार्केट सेल्स असिस्टेंट। तो भाई आपको भी 3, 6, 9, 12, तो भाई आपको 4 महीने हो गए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप अपनी कंपनी से कॉन्टेक्ट करो, उनको बोलो भाई कि जो आपका अप्रूवल लेटर नहीं आ रहा है, तो वो बात करेंगे, बात करके वो आईडी माल्टा में बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से कुछ बात नहीं बनती है तो आप अपनी कंपनी को बोलो कि वो लोग दोबारा अप्लाई करें आपके लिए, उसका जो कॉस्ट है वो आपको ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो आईडी माल्टा की फ़ी लगती है वो तो आपको भरनी पड़ सकती है। अगर कंपनी पे कर रही है तो एक अलग बात है, बट कंपनीज में ज़्यादातर कंपनीज नहीं भरती है, खुद ही बंदे को भरना पड़ता है। तो भाई आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, बेटर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करो, अभी अप्लाई मत करना, अभी थोड़ा वेट कर लो 2-3 महीने जो भी इस ईयर के हैं,
नेक्स्ट ईयर अगर आप अप्लाई करो तो जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आई होप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अमरजीत चौहान पूछ रहे हैं, राम राम भाई। राम राम भाई, दुबई से माल्टा आने के लिए कितना खर्चा आएगा और वहाँ पर कितना खर्चा होगा और इलेक्ट्रीशियन कितना महीने का बचा सकता है? तो भाई अगर आप दुबई से माल्टा आने के लिए खर्चा पूछ रहे हो तो वो डिपेंड करता है आप कंपनी से अप्लाई कर रहे हो या फिर आप बाय एजेंसी अप्लाई कर रहे हो। अगर आप कंपनी से अप्लाई कर रहे हो तो भाई उसका खर्चा है, जो कई कंपनीज़ फ्री में आपका अप्लाई कर देती है, काफ़ी कंपनीज़ होती है कि जो आपकी आईडी माल्टा की फ़ी होती है वही लेती है ओनली। और अगर आप बाय एजेंसी अप्लाई कर रहे हो तो बाय एजेंसी आपका काफ़ी सारा खर्चा जो है वो आ सकता है, 4 से 5 हज़ार यूरो जो खर्चा आता है बाय एजेंसी वो आता है। बाकी जो आपकी फ़्लाइट आपका जो खाना पीना खर्चा आएगा वो रहने का खर्चा आएगा, मेडिकल का खर्चा आएगा वो अलग है, उसमें भी आप 2 हज़ार यूरो लगा करके चलो तो मतलब आपका 7 हज़ार यूरो तक पड़ जाता है यहाँ आने तक का बाय एजेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हेलो सर, क्या इंटरव्यू होने से माल्टा में एड निकालना पड़ता है? क्या इंटरव्यू होने से माल्टा में एड निकालना पड़ता है दूसरी कंट्री के लोगों बुलाने के लिए? भाई जो एड निकलता है यहाँ जॉब पोस्टिंग के लिए, हायरिंग के लिए, जब भी वो एड निकालते हैं या फिर वो अपनी कंपनी के पेज से या फिर किसी न्यूज़पेपर में और या फिर वो जॉब प्लस पे एड निकालते हैं, यस वो निकालते हैं ताकि वो लोग थर्ड कंट्री से अप्लाई कर सकें। थर्ड कंट्री से अप्लाई करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो जॉब प्लस जो है वो परमिशन देता है, उसके एनओसी के बाद ही कोई भी कंपनीज एजेंसीज जो है वो थर्ड कंट्रीज से हायर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो संदीप कुमार पूछ रहे हैं, हेलो ब्रदर। हेलो, जब हम दुबई से आते हैं तो क्या हम कंपनी में बिना रिज़ाइन किए जा सकते हैं माल्टा को? तो भाई अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हो और आपका वीज़ा वगैरह सब चीज़ प्रोसेस हो चुका है, डन हो गया सब कुछ और आप ट्रैवल करना चाहते हो फिर उसके बाद माल्टा के लिए और आपकी जो कंपनी है वो क्लियरेंस उसने नहीं दिया है, अगर आप या फिर कंपनी को नहीं बताना चाहते हो कि आप वहाँ से काम छोड़ रहे हैं, अगर आप काम छोड़ रहे हैं कंपनी को आप बताओ, वहाँ पे रिज़ाइन पीरियड दो उनको, ठीक है, रिज़ाइन पीरियड दो दे करके वो जो आपका ग्रेजुटी होता है वो कंपनी आपको देती है दुबई में, उसके बाद आप वो पैसा ले करके आप यहाँ पे आओ तो जो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप माल्टा आना चाहते हो जल्दी तो भाई आप बिना रिज़ाइन किए माल्टा से दुबई आ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि आपके पास जो वीज़ा है वो माल्टा का ऑलरेडी मिल चुका है और जो एयरपोर्ट पे भी चेक करते हैं वो पूछते हैं तो वो आपके वीज़ा को ही देखते हैं, वही आपका जो ऑफ़र लेटर वगैरह है, अप्रूवल लेटर है वो चेक करते हैं, बाकी आपका जो पिछली कंपनी का है दुबई में जो आप कंपनीज का है वो बिल्कुल भी कुछ भी चेक नहीं करते कि आपने रिज़ाइन दिया था या फिर नहीं दिया था, उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं चेक करते। क्योंकि मैं भी दुबई से आया हूँ और मेरे कई फ्रेंड्स जो दुबई से आए हैं वो क्लियरेंस उन्होंने बाद में लिया है, वो पहले ही माल्टा में आ गए थे, तो इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहें, आप ट्रैवल कर सकते हो माल्टा में बिना किसी झिझक के। तो गाइज आज के जो क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है और आप डाउटफुल हो और मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप किसी भी वीडियो में आप कमेंट करें, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं पिक करके उनके जो आंसर है वो देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।